संस्कृत टेट स्मार्ट कोचिंग के जितने भी विद्यार्थी थे और जो यहाँ से पढ़े थे, जो नहीं पढ़े थे, जितने लोग पास हुए और जो नहीं पास हुए, सबको हम ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। और ये उम्मीद करते हैं कि शिक्षक भर्ती में वे बहुत ही परिश्रम के साथ अपना अध्ययन करेंगे और हम चाहेंगे हम लोग अपने ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से आपका सहयोग जितना हो सकता है उससे ज़्यादा करने का प्रयास करेंगे। और उसी क्रम में आज हम लोगों ने अपनी कोचिंग का आरंभ में, जैसे कि अभी हमारे सर ने मैथ की क्लासें होने के बाद संस्कृत की क्लासें आज से लगभग 15 से 20 दिन चलेंगे, तो उसी क्रम में आज हम आपको सबसे पहले व्याकरण का अध्ययन कराएंगे। उसमें आरंभ से हम लोग चलेंगे जिसमें आता है हमारे संस्कृत व्याकरण के प्रधान आचार्यों में पाणिनि। पाणिनि के पाणिनि के द्वारा रचे गए ग्रंथ है अष्टाध्यायी। ये क्वेश्चन तो ये रचनाओं के आधार पे आ जाएंगे, ठीक है, कि ऐसे ही सीधा प्रश्न कर देता है कि अष्टाध्यायी किसने लिखा है। एक क्वेश्चन आपका यही बनता है और अष्टाध्यायी किसने लिखा है, पाणिनि। जैसे इस बार के क्वेश्चन में जो रचनाएं आई थी व्याकरण की रचनाएं आ सकती है बट साहित्य की रचनाएं नहीं आएंगी। अगर वो सिलेबस में कह रहे हैं कि साहित्य नहीं है तो साहित्य की रचनाएं नहीं है, लेकिन व्याकरण की जो रचनाएं हैं वो जरूर आ सकती है। तो अष्टाध्यायी किसने लिखा है, पाणिनि ने लिखा। अष्टाध्यायी में कुल कितने अध्याय होते हैं, 8 अध्याय होते हैं। अष्टाध्यायी 8 अध्याय और इसके एक अध्याय में कितने चरण होते हैं, 4 चरण। एक अध्याय में जो होते हैं आपके 4 चरण और इस तरह से 8 अध्याय में 8 × 4 कितने हो गए, 32 चरण। तो अष्टाध्यायी में कितने चरण हैं, 32 चरण हैं और 32 चरणों में किसका वर्णन किया गया है, 32 चरणों में लगभग 4000 सूत्रों में व्याकरण का अध्ययन। आचार्य पाणिनि ने लगभग 4000 सूत्रों में और 32 चरणों में, 8 अध्यायों में और एक अध्याय में कितने चरण हैं, 4 चरण। इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं क्योंकि थोड़ा टेक्निकल होगा जो है कि अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं, तो 8 अध्याय हैं, एक अध्याय में कितने चरण होते हैं, 4। एक अध्याय में आपका चरण होंगे 4, तो इस तरह से टोटल अध्याय कितने होते हैं, 8 अध्याय। तो 8 अध्यायों में कितने चरण हो जाएंगे, 8 × 32 चरण। तो 32 चरणों में क्या है, वर्णन किसका किया गया, व्याकरण का। तो व्याकरण का वर्णन किस तरह से किया गया, सूत्रों में। कितने सूत्रों में किया, लगभग 4000 सूत्रों में किया गया। उनकी जो आपने अभी आपका जो टेट का पेपर था उसमें सीधा से प्रश्न था कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है, तो 14 सूत्र तो आपके लगभग वही आ जाते हैं जो इन्हीं 4000 सूत्रों में आपके 14 सूत्र आरंभ के हैं। जिनको व्याकरण का आधार स्तंभ मानते हैं उसको, जैसे उसको जानने के उपरांत ही कोई व्यक्ति व्याकरण के संधि हो, समास हो और कारक हो, प्रत्यय हो, इन सभी चीज़ों को आप अच्छे से जान सकते हैं। तो आज हम लोग भी मंजिल शुरू करते हैं माहेश्वर सूत्र से, जो हम कि वो क्या है और किसने लिखे। माहेश्वर सूत्रों के जन्मदाता कौन है, ऐसे भी प्रश्न आता है। माहेश्वर सूत्रों के जन्मदाता भगवान शिव है, ऐसी मान्यता है कि वो 14 महेश्वर सूत्र भगवान शिव के डमरू से निकले हुए हैं। भगवान शिव ने अपने डमरू को बजाया है और कहा जाता है कि पाणिनि में तपस्या के उपरांत भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और वो अपने डमरू को 14 बार बजाते हैं। एक श्लोक आता है, नृत्यावसाने नट राज राजो ननाद ढक्काम नवपंच वारम उद्धर तो काम सनकादिशा नेतक विमर्श शिव सूत्र जालम। अर्थात नृत्य के समाप्ति पर भगवान शिव ने जो डमरू बजाया उससे कितनी ध्वनियां निकली थी, 14 ध्वनियां, और उसी 14 ध्वनियों को क्या कहा गया, माहेश्वर सूत्र कहा, क्योंकि महेश्वर से निकले थे इसलिए उनको क्या कहा जाता है, माहेश्वर। देखिए ये दो चीजें हैं, महेश्वर, महेश्वर कौन है, भगवान शिव, और ये 14 सूत्र कहाँ से निकले हैं, महेश्वर से निकले हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, माहेश्वर सूत्र कहते हैं। तो माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है, 14। महेश्वर सूत्रों की बात नहीं होती है, इसलिए ये क्या कहा गया, माहेश्वर। जब देखिए जब कोई चीज किसी से उत्पन्न होता है
वहाँ पे अड़ प्रत्यय होता है तद्धित में, तो इसके पहले स्वर को वृद्धि हो जाती है। मैं तो जो है इसको आ हुआ देखिए माँ ही स्वर, जैसे वसुदेव से वासुदेव होता है, पढ़ा है आप लोगों ने इसके पिछले क्लास में, तो इस तरह से भगवान महेश्वर से माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति होती है जिनकी संख्या कितनी है। चलो ये सीधा सीधा प्रश्न था इस बार टिक में एकदम सरल कि महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है, तो कितनी थे आपके 14। तो चलिए हम लोग देखते हैं 14 महेश्वर सूत्र सबको कंटेंट होंगे। ये आपको याद होंगे, फिर भी मैं आपको लिख के दिखाता हूँ वो 14 महेश्वर सूत्र कौन है जो आपके इस टेस्ट में पूछा, और इसके आधार पे आपको पढ़ना है। महेश्वर पहला है अ ई उ ग, जिनमें हमारे यहाँ चार सूत्र आते हैं जिनमें स्वरों का वर्णन किया जाता है। दूसरा है आयुर् दूसरा ए और चौथा है आई और ये चार सूत्र आते हैं सबसे पहले। अब ये चार सूत्र जो है उसकी बात कर रहे हैं, स्वर की बात कर रहे हैं, इसलिए इन्हें स्वर महेश्वर सूत्र भी कहा जाता है। कभी कभी आपके प्रश्न आ जाएगा स्वर महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है, तो कितनी होती है, सिर्फ वही चार होती है। स्वर महेश्वर सूत्र कितने हैं, चार। वैसे महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है, 14, लेकिन स्वर महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है, चार होती है। वो कौन है, अ ई उ ड रीन वी ए और आई और च। देखिए इस बार का जो प्रश्न था आपका स्वर महेश्वर, एक प्रश्न इसमें से और आ गया था। एक प्रश्न आपका सीधा सीधा क्या था कि महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है, 14। एक प्रश्न आप जरा ध्यान से देखिए, यही पूछा था ना ओ, यही ओ नहीं प्रत्यय ओ पूछा था। सीधा कहा था ओ को क्या कहते हैं, मतलब हरस्व कहते हैं कि दीर्घ कहते हैं, ठीक है। ओ इसमें चार वर्ड दिया था ना, उसमें पूछा था कौन सा हरस्व नहीं, यही पूछा था। पर इसमें जो ओ होता है ये हरस्व नहीं होता, ओ का क्या होता है, दीर्घ और प्लुत होता, समझ रहे मैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है वो सही है, जो ये आय था टू और थ्री और क्या था आपका टू, ये चारों में था ना। तो ये आपका जो है, क्योंकि देखिए आय का भी आय हरस्व है, ऊ भी हरस्व है, ये होगा ये ऊ भी हरस्व है आपका, ठीक है, और री भी आपका हरस्व, लेकिन ये ओ हरस्व नहीं होता, ओ की हमेशा दीर्घ और कुछ मात्रा होती है, ठीक है। तो ये आंसर सही था आपको। तो अभी हम लोग देखेंगे, तो दो क्वेश्चन तो आपको महेश्वर सूत्र से, उसमें भी एक स्वर महेश्वर सूत्र से था, एक टोटल महेश्वर सूत्र से था। तो आप ये कन्फर्म मान के चलिए कि महेश्वर सूत्र से आपके प्रश्न घर भी आएंगे, शिक्षक भर्ती में भी आएंगे। अब वो क्या पूछता है वो इसमें जो हम लोग अध्ययन करेंगे उसमें आपको मिल जाएगा। अगर ये संज्ञक है यहाँ पे, यहाँ पे जो है अभी बताएंगे आप लोगों को, ये जो प्रत्येक महेश्वर सूत्र का जो अंतिम वर्ड होता है, अंतिम वर्ड बोले जैसे ये ये जो चारों वर्ण हैं ये महेश्वर सूत्र के अंतिम वर्ण, और इनको क्या कहा जाता है, इत संज्ञा कहा जाता है। ये भी प्रश्न आ सकता है इत संज्ञा क्या है, किनको कहते हैं, तो महेश्वर सूत्र का जो अंतिम वर्ण होता है वो क्या कहलाता है, इत संज्ञा। जो ये चार महेश्वर सूत्र है तो इसमें भी कितने संज्ञक वर्ण है, चार ही। अगर आपके पेपर में पूछता है इस संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी है, तो कितनी होगी, 14 होगी, जबकि महेश्वर सूत्र कितने हैं आपके, 14 है। और तो 14 महेश्वर सूत्र के जो अंतिम वर्ण होंगे वो सब क्या कहलाएंगे, इत संज्ञक कहलाएंगे, ठीक है। अगर मान लो आपसे पूछा जाए स्वर इत संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी है, तो कितनी होगी, 4 ही होगी, ठीक है। क्योंकि स्वर महेश्वर सूत्रों में ये चार आए हैं, इन्हीं चारों के जो अण है क्या है, अन्य है और च, ये क्या कहलाएंगे आपके, इत संज्ञक कहलाएंगे, तो ठीक है। ये इस तरह से ये स्वर महेश्वर सूत्र होते हैं।
इसके बाद आपके आते हैं व्यंजन महालेखन, व्यंजन महालेखन व्यंजन महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। स्वर महेश्वर सूत्रों की संख्या 4 है, व्यंजन महेश्वर सूत्रों की संख्या 10, और कुल महेश्वर सूत्रों की संख्या आपने ऊपर लिखा है कितने हैं? 14। तो इस तरह से भी हमको इस बात तैयार होना है। तो आगे आपका आता है व्यंजन पांचवा सूत्र, जो आपका व्यंजन चलता है इसके बाद है ठीक है। ये सभी जो महेश्वर सूत्र के अंतिम वर्ण है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था व्यंजन में, उसी तरह से व्यंजन में भी। मतलब क्या है, इन लास्ट वर्णों की गणना हमको आपको नहीं करनी है। ये जिनको हमने अभी बोला किया है, ये ठीक है, तो जो महेश्वर सूत्र लिख लीजिए इसको, प्रत्येक महेश्वर सूत्र में इत संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी होती है? 14 होती है। और वो होते कौन है? सीधा सवाल होता है, दो महेश्वर सूत्र के दो अंतिम है कौन? मैं और ये। तो इस तरह से जितने भी अंतिम है, ये और ठीक है। देखो महेश्वर सूत्र से 3 क्वेश्चन आया था, किसी ने ध्यान नहीं दिया था, यहीं से आया था। ये पूछा था पूछा था ये कौन से व्यंजन है, तो ये सर कौन से व्यंजन होते हैं? उच्च व्यंजन होते हैं। अभी आगे जी एक प्रत्याहार पूछा, मतलब कुल मिला जुला के 4 क्वेश्चन महेश्वर सूत्र से थे, और टोटल क्वेश्चन आपके मतलब 26 क्वेश्चन आपके पूरे संस्कृत ग्रामर से, 4 तो आपके महेश्वर सूत्र थे। तो अगर किसी को संस्कृत में कुछ ना पढ़ना हो, तो अगर महेश्वर सूत्र पढ़ के जाए तो 4 क्वेश्चन आ सकता है। समझ रहे हैं? जितना आपने हल किया है उतने क्वेश्चन तो सिर्फ महेश्वर सूत्र से मिल जाते हैं। तो बहुत बहुत ऐसे कम विद्यार्थी हैं जिन्होंने संस्कृत में सिर्फ 4 से 6 क्वेश्चन हल किए हो। शायद ऐसे काम जो लोग होंगे बहुत भाग्यशाली होंगे जो 4-6 क्वेश्चन हल किए हैं, 25 से कम संस्कृत में किसी ने नंबर हल नहीं किया। तो मुझे लगता है अगर जिसको संस्कृत बहुत कम लगती हो, उसे सिर्फ और सिर्फ 1 चैप्टर का अध्ययन करना चाहिए, महेश्वर सूत्र। महेश्वर सूत्र से संबंधित जितने प्रश्न बनते हैं आप तैयार कर लीजिए। आपके 2 से 4 12-13 क्वेश्चन का आपका भर्ती में आएगा, उसमें से 2-3 क्वेश्चन आपका इससे कन्फर्म है, इससे महेश्वर सूत्र। क्योंकि जो इससे प्रश्न करेगा उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि जिन बच्चों को आपको पढ़ाना है वहाँ आपको बताना ही पड़ेगा महेश्वर सूत्र, और इसी और अन्य के आधार पर संस्कृत भी चलेगा जो है। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन वो भी महेश्वर सूत्र से उठाने के प्रयास करेंगे। आपसे यही देखा जाएगा कि ये वर्णों का ज्ञान आपको अच्छे से है कि नहीं, क्योंकि जिन बच्चों को हमें पढ़ाना है उनको ज्यादा से ज्यादा वर्णात्मक ज्ञान हमें कराना होगा, सीधा वाक्यात्मक और व्याख्यानात्मक टीचिंग वहाँ नहीं होने वाली है। तो उसके आधार पर सीधा सा सीधा प्रश्न बनने यहाँ से कन्फर्म हो जाते हैं कि वो बनाए गए।
तो अब इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि व्यंजन वाचक सूत्रों की संख्या कितनी हो गई, 14, स्वर की कितनी हो गई, 4। अब इसी पर आधारित हमारे प्रश्न होते हैं कि माहेश्वर सूत्र के आधार पर स्वर वर्ण कितने होते हैं। सीधा सीधा प्रश्न, माहेश्वर सूत्र के अनुसार स्वर कितने होते हैं आपके, 9 हो जाते हैं। इसी के अनुसार बात कर रहे हैं, माहेश्वर सूत्र के अनुसार स्वर कितने हो गए, 9। अब सीधे सीधे बात होती है वो है कौन 9 स्वर। स्वर समझते हैं सब लोग कि जो बिना किसी अंग वर्णों के संयोग से प्रयोग में आए कार्य करें उसे क्या कहते हैं, स्वर। तो महेश्वर सूत्र के अनुसार स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है, 9 होती है। अब वो 9 स्वर है कौन जो है, तो वो ये महेश्वर सूत्र बताएंगे कि वो 9 स्वर है कौन। आप सामने लिख भी लीजिएगा, महेश्वर सूत्र के अनुसार स्वर वर्ण की संख्या कितनी है, 9। और इसी को क्या कहते हैं, अच स्वर ही कहते हैं, ठीक है। महेश्वर सूत्र के स्वरों को ही अच स्वर कहते हैं और किसी को नहीं कहते, ठीक है। अच स्वर की अगर बात आ जाए तो समझिएगा महेश्वर की बात की जा रही है, तो महेश्वर में कितने स्वर है, 9 ही तो है ना। अगर अच स्वर का है तो भी 9 है, और महेश्वर सूत्र के अनुसार स्वर का है तो भी 9 है। ऐसे ज्यादा चांस ये है कि वो आपसे पूछ सकता है अच स्वरों की संख्या कितनी है, तो अच स्वरों की संख्या कितनी है, 9। अब वो है कौन, तो आप यहाँ देखिए, पहला कौन है, दूसरा ई, तीसरा ओ, चौथा यहाँ नहीं लिया जाएगा, ठीक है। जितने भी महसूस सूत्र के अंतिम वर्ण है इनकी गणना स्वर के गणना में, व्यंजन की गणना में नहीं होती है, इसको छोड़ दिया जाता है। आप कहेंगे क्यों छोड़ दिया जाता है, तो सीधा सा यह है कि क्योंकि ये उच्च संज्ञक होते हैं इसलिए उनको छोड़ दिया जाता है। तो कितने वर्ण हो गए, अ ई उ, तीन वर्ण, री और ली, 5, ए ओ, 7, ए औ, कितने हो गए, 9। तो ये आपके 9 स्वर है, आप लिख लीजिए, यही क्रम आपका रहेगा। कभी कभी क्रम भी पूछ देगा आपके सिलेबस में जो है, मान लो परीक्षा में उसने पूछा आप बताइए क्रम सही है कि नहीं है, देखिए ये क्रम बनता है, इसमें कर देगा ए ओ ए औ, ठीक है। संस्कृत में ये क्रम आपका सही है, हिंदी में क्या आता है, ए ए ओ औ, ये हिंदी का क्रम है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा, संस्कृत ए ओ ए औ कहता, हिंदी क्या कह रहा है, ए ओ औ, ठीक है। तो ये क्रम भी अगर वहाँ पर प्रश्न आ गया तो आपको ध्यान रखिएगा, ए ओ, तो ये कहाँ से पता चल रहा है, यहाँ से देखिए, ए ओ ए औ, ये महेश्वर सूत्र पाणिनि भगवान शिव ने स्वयं बता दिया ऐसा होता है। हिंदी वाले विद्यार्थी को ऐसा डाउट हो सकता है कि हिंदी में ए ओ औ कहा गया, लेकिन ऐसा संस्कृत के महेश्वर सूत्र में कहा गया, ये प्रमाण होगा आपका, ठीक है। तो अब इन स्वरों की जो बात हो रही है, इसमें स्वर कितने हो गए, 9। 9 स्वरों में आपके मूल स्वर कितने होते हैं, आप देखिए इसके मूल स्वर जिसे आप हरे स्वर कहते हैं, देखिए किसी से प्रश्न आया था मूल स्वर और हरे स्वर से प्रश्न किया था उसने, तो संस्कृत में महेश्वर सूत्र के अनुसार मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, या हरे स्वर होती है, वो कितने हो गए, 5, आ, ई, ऊ, री और ली, ये 5 वर्ण हैं आपके जो क्या होते हैं, हरे स्वर कहते हैं, इन्हीं को मूल स्वर कहते हैं, इन्हीं को हरे स्वर भी कहते हैं, ठीक है। इनकी संख्या कितनी हो जाती है, 5। मूल स्वरों की संख्या या हरे स्वरों की संख्या कितनी होती है, 5। दूसरा प्रश्न अब देखिए, जो प्रश्न उसने किया है, उसने पूछा है इसमें हरस्व स्वर कौन है, जब आपको दीर्घ का पता चल जाएगा तो यहीं से क्लियर होगा कि ये बेचारे हरस्व नहीं है। तो अगला देखिए दीर्घ स्वर या इन्हीं को क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर या इन्हीं को क्या कहते हैं, संधि स्वर, ये अलग नाम है, अलग अलग, इन्हीं को दीर्घ स्वर कहते हैं, इनको संयुक्त स्वर कहते हैं, और इन्हीं को क्या कहते हैं, संधि स्वर भी कहते हैं, ठीक है। तो अब ये कौन है, दीर्घ स्वर कौन है, संयुक्त स्वर कौन है, और संधि स्वर क्या, ये चीजें बहुत सरल आपको लगती है, लेकिन पेपर में प्रश्न इसी तरह से आपके उठा रहे हैं। तो देखिए ये कौन है आपके, आ, ये भी आपका क्या है, दीर्घ स्वर, आपका ई, ऊ, आ, ई, ओ, और ए,
बी फिर ए ओ आए, और ये आपके कितने हो गए आठ, ये आठ के आठ आपके क्या होते हैं बी पेपर। अब पेपर में देखिए यही तो पूछा था उसने, ओ ओ ओ क्या है, दीर्घ है कि ह्रस्व है, उसने पूछा था ओ ह्रस्व है कि इसमें कौन सा ह्रस्व नहीं, तो ओ ही एक ऐसा है जो दीर्घ होता है ह्रस्व नहीं होता, तो यहीं से आप क्वेश्चन हल कर ले रहे हैं, मतलब हम पढ़ रहे हैं दीर्घ में लेकिन ह्रस्व उसने किया था इन वर्डों को रख लिया था, तो यहाँ ये वर्ड आपके क्या हो जाते हैं ह्रस्व हो जाते हैं, और ये वर्ड आपका ह्रस्व नहीं होता, ये वर्ड हमेशा आपका क्या होता है दीर्घ होता है, ये भी आपका दीर्घ है। कुछ कभी कभी हमको भ्रम होता है, प्राय हम ये लिखते हैं कहेंगे कि ये बड़ा है कि छोटा है, लोग अक्सर इसको क्या कहते हैं ये छोटा है ये ह्रस्व है, और इसको भी कह दीजिए इसको कहते हैं ये दीर्घ ये बड़ा, लेकिन ऐसा नहीं ये भी दीर्घ है ये भी दीर्घ दोनों दीर्घ, और ये दीर्घ और श्रुत होते हैं ह्रस्व होते ही नहीं, ए ऐ की कौन सी मात्रा होती है दीर्घ और श्रुत ये ह्रस्व नहीं है, इस स्तर पर उन्होंने इस बात को इसी में आते हैं। इसके बाद स्वरों में दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, इसी के बाद आता आपका क्यूट स्वर आता है, और कौन सा स्वर आता है क्यूट स्वर तीसरा, ठीक है। महेश्वर सूत्र के आधार पे स्वरों में भी चार सूत्रों में स्वर का विभाजन, चार में भी मूल स्वर कितने हुए ह्रस्व स्वर पांच हुए, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर शब्द स्वर की संख्या कितनी थी आठ थी, इसको अभी हम लोगों ने देखा। तीसरे क्रम पे आता है क्या आपका कृत स्वर, कृत शब्द क्या है कृत वो होता है जिसको हम जब किसी को दूर से बुलाते हैं किसी को अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करना हो तो आप किस स्वर का प्रयोग करते हैं कृत स्वर का प्रयोग करते हैं, जैसे कोई सड़क पे खड़ा है कोई सीढ़ी पे खड़ा है तो हमें दूर से दूर व्यक्ति खड़ा है तो वहां पे किस स्वर का प्रयोग करेंगे कृत स्वर का प्रयोग करेंगे, और तो संस्कृत में कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है आपकी नौ होती है, ठीक है। वो सभी आ ये सभी आपके कितने होते हैं जितने स्वर हैं आपके वो सभी के सभी क्या हो जाते हैं आपके क्लूट हो जाते हैं, उनको कभी भी हम दूर से भी बुला सकते हैं जोर से भी बुला सकते हैं, पास में भी क्लूट रहते हैं कोई कमरे में है अभी सिर्फ कमरे वाला समय है तो कौन सा स्वर करेंगे क्लूट स्वर तो करेंगे दूर खड़ा है, तो इस तरह से स्वर और व्यंजन स्वर में भी कभी कभी क्या करता है इन्हीं इन्हीं वर्डों से पूछ देगा आपके इन चार वर्डों पे प्रत्येक के कितने कितने भेद होते हैं अठारह अठारह, यानी आ के अठारह ई के अठारह ऊ के अठारह बी के अठारह, ये प्रश्न कर देगा कि आप सिर्फ कितने से होते हैं आगे कितने भेद होते हैं अठारह कितने अठारह क्योंकि कितने री के कितने ये क्या होते हैं जानते हैं ये ह्रस्व भी होते हैं दीर्घ भी होते हैं और ठीक है, तो इस वजह से ये ह्रस्व भी होगा ये दीर्घ भी होगा ये युति भी होगा, ठीक है। तो इस दृष्टि से इन चारों चार ही वर्ण हैं जिनके अठारह अठारह भेद होते हैं, ठीक है। हम परीक्षात्मक दृष्टि से पढ़ रहे हैं व्याख्यानात्मक उनको पेपर में लिखना तो है नहीं ऐसा काफी मूल्यांकन करना ऐसा कुछ नहीं होगा, आप सिर्फ इतना वन लाइनर क्वेश्चन के आधार पर इसे रख लीजिएगा कि ऐसे अठारह में जीके अठारह में जीके अठारह में जीके अठारह के, कभी कभी ये प्रश्न आ सकता है कि ये होते कैसे हैं तो हरस दीर्घ और कृत होते हैं, इसमें तीनों होते हैं, ठीक है। हरस भी होता है दीर्घ भी होता है कृत भी होता है, इसके बाद आपके बचते हैं कौन दीर्घ न्यू वर्ड के कितने भेद होते हैं बारह भेद होते हैं, इसको भी देख लीजिए न्यू वर्ड के कितने भेद होते हैं बारह भेद होते हैं, इसमें दीर्घ का अभाव होता है ये लिख लीजिए दीर्घ का अभाव, यानी ली में हरस और कृत तो होता है, यानी ली में क्या होगा हरस प्लस ये तो होगा लेकिन ली में दीर्घ नहीं होगा, ठीक है। ली का दीर्घ मिलता भी नहीं, कभी आपने देखा ली ऐसे ली नहीं मिलेगा आपको, ली हमेशा क्या होता है ह्रस्व होता है और क्लुत होता है दीर्घ नहीं होता, तो ली वर्ण के ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है प्रायः पूछता है और पूछ भी सकता है कि ली वर्ण के कितने भेद, सब लोग यही सोचते हैं आई के जितने होंगे वही इसके भी होंगे जो है, लेकिन ऐसा नहीं होता,
तो लिंग कितने भेद है? 12। इसमें किसका अभाव होता है? दीर्घ का अभाव होता है। ये ध्यान रखना, ये प्रश्न आएगा किन्हीं वर्ण में किसका अभाव होता है, हरस का कि दीर्घ का, ये उलझा सकता है विद्यार्थी को। तो लिंग वर्ण में किसका अभाव होता है? दीर्घ का अभाव होता है। अब जो प्रश्न आते हैं इसमें चार वर्ण है, ये देखते ठीक है, इन चारों के भी कितने भेद होते हैं? 12 मतलब ए के भी 12, ओ के भी 12, आई के भी 12, औ के भी 12, ठीक है। इसमें हर सुख का अभाव होगा, इस दृष्टि से अगर जिन विद्यार्थियों ने पढ़ा था आसानी से उसका क्वेश्चन हल कर दिया, क्योंकि ए ओ ओ में इसमें हरस होता ही नहीं है, यहीं से अपने आप क्वेश्चन निकल के आ गया था टेट का। ए ओ ए ओ पिछली क्लास के विद्यार्थियों को ये बातें बताई गई थी। हाँ, ये अलग है कि परीक्षा में या सही क्वेश्चन करने के चक्कर में गलत कर दिया जाता, ऐसा होता है। ए ओ ए ओ ठीक है, इनके कितने भेद होते हैं? 12 भेद। इसमें किसका अभाव होता है? हरस्व का अभाव होता, ठीक है। ये चीजें यहाँ पे होते हैं। तो स्वर से जितने क्वेश्चन बन रहे थे ये आपके सामने अभी अभी हम आपको बता रहे थे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें इधर अभी तक जो आपको बताया गया इसमें किसी विद्यार्थी को कोई समस्या, ये सब ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं व्यंजन से क्लासेस चलेंगी, जैसा कि सर ने बताया है। तो अब देखते हैं व्यंजन, तो व्यंजन क्या है? व्यंजन किसे कहते हैं? ये सिंपल परिभाषा है, जो स्वर वर्णों के सहयोग से कार्य करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं, जिसका आप अच्छी तरह से जानते हैं। सवाल ये उठता है, अब प्रश्न क्या कर रहा है, वो व्यंजन है कितने, वो व्यंजन उनको कहते क्या है, इसी से संबंधित पूरे किट में सवाल किया है, ठीक है। और ऐसे ही सवाल आपके सामने आएंगे। तो सबसे पहले संस्कृत में व्यंजन वर्णों की संख्या लेंगे। संस्कृत बाह्यस्वर सूत्र के अनुसार व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। बाह्यस्वर सूत्र के अनुसार व्यंजन 33 होते हैं। और महेश्वर सूत्र के अनुसार पहला व्यंजन कौन है? हाँ, ये अभी भी मैंने यहाँ पे महेश्वर सूत्र लिखा दिखा है। महेश्वर सूत्र के अनुसार व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 33। और ये व्यंजन महेश्वर सूत्र के अनुसार पहला व्यंजन कौन है? हाँ, पेपर में पूछ देगा पहला व्यंजन वर्ण कौन है संस्कृत, और वहां देंगे आपको और तो प्राय विद्यार्थी बहुत खा जाएंगे, जितने भी रहेंगे ज्यादातर क्या मारने वालों की संख्या रहेगी, जानते रहेंगे फिर भी सोचेंगे कि है ना और क्या मारे, समझ रहे हैं। लेकिन संस्कृत का पहला व्यंजन कौन सा होता है? हाँ, होता है महेश्वर सूत्र के अनुसार। लेकिन यही चल रहा है, अंतिम भी है होगा, पहला भी है होगा और अंतिम भी है होगा, ठीक है। इनकी संख्या कितनी होती है? 33 होता है। इनका तीन ग्रह होता है इसमें, इसमें भी आ जाते हैं आपके स्पर्श ग्रह। अब देखिए यहाँ से प्रश्न आपका कन्फर्म हो जाता है, ठीक है। स्पर्श व्यंजन, तो स्पर्श क्या होता है? व्यंजन को समझ रहे हैं आप लोग, व्यंजन मतलब जो क्या हो स्वर के सहयोग से प्रयोग में आए उसे क्या कहते हैं? व्यंजन, विशेष जन, ठीक है। व्यंजन को क्या कहेंगे हम लोग? विशेष लोग, विशेष बालक, आपने पढ़ा होगा बाद में समावेशी बालक जिसे कहते हैं, ठीक है। समावेशी बालक में आते हैं कौन? जैसे व्यंजन उनके क्या होते हैं? दिव्यांग होते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। व्यंजन को आप अच्छे रूप में कहा जाए तो दिव्यांग, मतलब जो स्वर के सहयोग से जैसे कोई वैसाखी से या बेनदीप से या मोटे मोटे अक्षरों से पढ़ते हैं, जो हमारे आते बच्चे ऐसे समावेशी विद्यार्थी मैं ऐसा कह सकता हूँ, तो आप व्यंजन को समावेशी कह सकते हैं, ठीक है। इनको सहयोग की आवश्यकता होती है और मिल करके इनसे काम किया जा सकता है। तो व्यंजन किससे मिलते हैं? स्वर से मिलते हैं, तो इसलिए अब इनको अब उसमें भी कौन से व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श क्या होता है?
मतलब जिन वर्णों को उच्चारण करते समय कंठ तालु जिह्वा आदि का स्पर्श होता है, वो क्या कहते हैं, स्पर्श बंधु। आपने टिट का आपका सीधा सीधा प्रश्न था कि उसको आप क्या कहना चाहेंगे जो दांत को स्पर्श करके निकलता है, उसे आप क्या कहना चाहेंगे, तो वो दंत जो है व्यंजन होता है ना, तो ऐसा करके आप उसने प्रश्न किया। तो देख लीजिए, तो स्पर्श मतलब यहाँ पे जो कंठ तालु जीवा आदि को स्पर्श करके निकले उसे क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन। और इनकी संख्या कितनी होती है, 25 होती है, ठीक है, स्पर्श व्यंजन 25। और कितने वर्ग में है, 5 वर्ग आते हैं, 5 वर्ग। कौन सा आपका, ग वर्ग, संस्कृत में से पूर, चूर, पूर, पूर और पू वर्ग, ठीक है, पू चू पू पू पू, ऐसा संस्कृत में कहते हैं। किसी को हिंदी में कहना होगा तो कह देंगे क वर्ग, ठीक है, च वर्ग, एंड लास्ट में आपका, ठीक है, ऐसा कहाँ कहेंगे, ऐसा ही इसमें कहते हैं। संस्कृत में देखिए जो पूर्ण पू है इसकी संज्ञा हो जाती है, ठीक है, तो ये हिंदी का क्या बन जाता है, क्या हुआ है, अच्छू में जो पू है इसकी भी संज्ञा होती है, ये क्या बन जाता है आपका, चलो स्पेशल आपका यही है, ठीक है, इसका असली नाम है पूछ पूछ। हिंदी वालों को बोलने में समस्या थी, हिंदी वाले तो जानते हैं एक नंबर के स्मार्ट है जो है, ये जो चीजें इनको कठिन लगती है उसको आसान बना लेते हैं। इनको पूर्ण कहने की अपेक्षा सीधा डायरेक्ट क वर्ग इन्होंने कहा, चू कहने की अपेक्षा च वर्ग, टू को कह दिया क वर्ग और टू को त वर्ग और टू को क, ठीक है, ऐसा जिसने कहा हिंदी में ऐसा बोलता है। लेकिन संस्कृत में अगर बात सुन जाए तो क्या होगा, इसका भी क्रम पूछ देगा, कहेगा सही क्या है, पूछू टू 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 है कि कैचर कर्तव्य पर है, तो उनसे सही है, तो पता चला आपने भी यही पढ़ा है, अक्सर टीचर भी यही पढ़ा देते हैं, आप समझते क्यों किए हैं क्या वर्ग, तो लेकिन क्या होता है संस्कृत में पूछू टू 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 होता है कू वर्ग का, ठीक है। तो यहाँ पे चवर का मतलब क्या है, कचर अन्य, चवर का मतलब क्या है, चवर का मतलब है कचर, और का मतलब है कचर और तथा है। तो ये आपके जो 25 है यानी पांचों वर्गों में इन्हीं को कौन सा व्यंजन कहते हैं, इस पर आपके पेपर में ऐसे दे देगा चूल्हा, कहेगा बताओ ये कौन सा व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है, उस व्यंजन है, अथवा कोई भी, समझ रहे हैं, तो ये आपका क्या आ जाएगा, स्पर्श व्यंजन आ जाता, ठीक है। तो इस तरह से अब आपको 25 वर्ण है तो 25 वर्ण रटना बड़ा कठिन होगा, जैसा जब सर ABCD बता रहे थे आप रट लीजिए, वैसे रटना हो तो बड़ा कठिन है, समझ रहे हैं, नहीं जो कोडिंग के कोडिंग का सर बता रहे थे मुझे फिर सुन रहा था, समझ तो पाया नहीं कुछ जो है, अब रटने में क्या रट लो उसको, ABCD रट लो कि कोई ऐसा फार्मूला हो जिसकी वजह से आसानी से रट लो, 25 वर्ण यहाँ आइए, मैं 26 वर्ण बताया रटने, मैं आपको 25 वर्ण बता रहा हूँ फ्री में बता रहा हूँ, ठीक है, क्या है सिर्फ आप कैचर करते पैर रख लीजिए, सबको ABCD आता है, सबको क क ग आता है, लेकिन उसी क क ग वो इतने आसान भाषा में बता रहा हूँ, क वर्ण मतलब क क ग अन्य, ठीक है। अभी आपसे कह दिया जाए ए वर्ग मतलब क्या, कुछ नहीं दिमाग ही नहीं कहा, ए वर्ग मतलब ABCD, बी वर्ग मतलब क्या पता ही नहीं चल रहा, अगर उसमें भी इस तरह की कुछ बातें दिखाई जाए कि फला वर्ग में इतने अक्षर आ जाए, फला वर्ग में इतने अक्षर, तो बड़े आसानी से आपको तैयार हो जाए। संस्कृत में इस तरह से है, ठीक है, क वर्ग मतलब क क है अंग, च वर्ग मतलब च च है, ये 25 वर्ग को आप 2 सेकंड में आप बता सकते हैं, लेकिन उस 26 वर्ड को आप 2 सेकंड में बताइए, शुरू करने में 3 मिनट लग जाते हैं, ठीक है, बताने की तो बात पढ़ना हमको इस दृष्टि से, समझ रहे हैं, आज ABCD सबको आता है, क्या क्या भी सबको आता है, आप ये भी नहीं बच सकते हैं अरे हमको ABCD करना आता, ठीक है, हमको क्या नहीं आता, सबको आता, ठीक है। चलो तो ये स्पर्श व्यंजन कितने हो गए, 5, इससे भी आपका एक सवाल रहे, ठीक है। दूसरा सवाल क्या है आपका, आता है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ, ठीक है,
अंतस्थ व्यंजन को ही क्या कहते हैं आपका आर्ध स्वर कहते हैं, ठीक है, जो आधे स्वर हो और आधे व्यंजन, और इसी को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, इसी को अर्ध स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? चार। ठीक है, यह ऐसे ही डायरेक्ट पूछ देगा यह वर्ण को क्या कहते हैं, ठीक है, अंतस्थ कहते हैं, ऊष्म कहते हैं कि स्पर्श व्यंजन कहते हैं, तो यह वर्ण को क्या कहते हो? अंतस्थ कहते हैं। इसमें सर हिंदी में देते हैं, संस्कृत में क्या आंसर ये देखिए, आ प्लस ई, नहीं ई प्लस क्या हो गया, उ प्लस री प्लस आ बराबर और ई प्लस आ बराबर। तो संस्कृत में तो चारों वर्ण स्वर हो जाते हैं, ठीक है, जैसे अयोग वा पूछा था, हिंदी में तो ये हो गया है अनुस्वार विसर्ग, लेकिन संस्कृत में तो चार है जो है, तो वहां पे अरे हमने बताया था आपको जीवामूली पद्मानी, ये दोनों भी आपके अयोग वा के अंतर्गत आते हैं, ये भी आते हैं, लेकिन कहीं कहीं क्या बोलते हैं जानते हैं, कहीं कहीं तीन अयोग वा मिलता, अभी उस पर जब बात आएगी तो मैं आपको बताऊंगा, साक्षी भी मेरे पास दो दो जगह है, एक जगह तीन को उसने अयोग हुआ माना, एक जगह चारों को अयोग हुआ मान दिया, तो फिर देखते हैं उसके अभी आगे बात। तो क्या हो गया आपका, यह वर्ण है ल, ठीक है, एक इसको क्या कहते हैं अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्या कितनी है, चार होती है। ये कैसे बन गए ये भी पूछ सकता है आपके पेपर में कि यह वर्ण बना कैसे है, ठीक है, तो ई प्लस वर्ण कैसे बना, उ प्लस थोड़ा कैसे है री प्लस और ल है आपका ल है री प्लस, ठीक है, अगर ये आप जानते रहेंगे तो संधि जब पढ़ाई जाएगी बहुत आसान हो जाएगा, कहीं आपको ये मिलेगा तो फिर से आप ई प्लस ऐड कर देंगे, वह मिलेगा तो ओ प्लस ऐड कर देंगे और ल होगा तो ऐसे, अरे जन संधि में यही मिलता है, लेकिन लोग यहाँ तो पढ़ लेते हैं वहां जाने के बाद समझने लगते हैं, यही चीज तो वहां भी आएंगे, सेम टू सेम संधि विच्छेद कुछ नहीं है, यही को यह आता है संधि विच्छेद आसानी से कर लेता है, ठीक है। अब ल शब्द आता है, देखिए ये लाकृति शब्द आता है, लड़के घबरा जाते हैं कौन सी संधि, और कौन जान रहा आता है कौन सी संधि होती है, यण संधि होती है, तो ल कैसे बनता है देखो, तो ली प्लस अ होता है ना, इसको संधि विच्छेद करेंगे तो ली प्लस अ अपने आप हो जाएगा, ली को ल हो जाता है, तो क्या बन जाता है, बाद आपका आता है जो आपके टेट में पूछा, टेट में पूछा था क्या, ऊष्म व्यंजन, ठीक है, ऊष्म व्यंजन क्या है आपका, ऐसे वर्ण जिनको प्रयोग करते समय अत्यधिक ऊष्मा लगती हो, गर्मी आ जाती हो, ज्यादा प्रयास की आवश्यकता हो, उसे क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन। उनकी संख्या कौन है, ये चार वर्ण होते हैं, और यही आपका इतना आपका टेट में पूछा, सह का सह को कहते हैं क्या, क्या कहते हैं, को क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन, क्यों इनको कहते हैं, क्योंकि इनका प्रयोग करने पर अत्यधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से अभी हम लोग देख रहे थे महेश्वर सूत्र पर आधारित स्वर और व्यंजन से बनने वाले सभी प्रश्नों को देख रहे हैं, ठीक है, तो स्वर व्यंजन के लिए आपके प्रश्न बनते हैं। दूसरा जो प्रश्न आपका बनता है, इसमें व्यंजन के कुछ वर्णों से बन जाते हैं महेश्वर सूत्र के लिए, ठीक है, एक दो क्वेश्चन आपका मैं ये भी हल करा, दो क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है ना, देखो इसमें भी एक तरह से प्रश्न आ जाता है कि
हालंकर्ण वर्ण का प्रयोग महेश्वर सूत्र में कितनी बार किया गया, तो कितनी बार किया गया, दो बार किया गया। ये हलंत है और ये कौन है, लैंड है, इसमें भी कड़ा हलंत, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके पेपर में। तो हो सकता है पूछ लें, जब उनका कौन सा पूछे भी हो सकती है, तो कौन से वर्ण है, दो वर्ण, ये रह। तो रण लिख लीजिए प्रश्न, हलंत रण महेश्वर सूत्र में दो बार आया, हलंत रण महेश्वर सूत्र में कितनी बार आया है, दो बार आया। दूसरा, ह वर्ण का प्रयोग संस्कृत में महेश्वर सूत्र में दो बार आया, यही प्रश्न, ह वर्ण का प्रयोग महेश्वर सूत्र में दो बार आया, एक और है आपका। और तीसरी आया है, ये भी लिख लीजिए, अट प्लस सर, अट और सर इन दो प्रत्याहारों की सिद्धि के लिए है का प्रयोग दो बार आया। बिल्कुल ऐसा प्रश्न कर सकता है कि है का प्रयोग दो बार किस प्रत्याहार की सिद्धि के लिए आया, बहुत कठिन सवाल हो जाएगा। हाँ, अट और सर, अट और सर, पहला अट में आएगा, दूसरा सर में आएगा, ठीक है। तो अट और सर इन दो प्रत्याहारों की सिद्धि के लिए है का प्रयोग दो बार किया गया। प्राय ये बहुत सरल क्वेश्चन बन गया है, है का प्रयोग कितनी बार किया गया है, दो बार, लेकिन ये कठिन हो जाता है कि क्यों ऐसा किया, दो बार प्रयोग क्यों कर दिया, और किसी वर्ण का तो किया नहीं है, कोई ऐसा कौन सा इसका बहुत सा रिश्तेदार था कि दो बार लाके इसको बैठा रहा है, ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, ये कोई रिश्तेदार नहीं था, इसका सगा संबंध नहीं था। तो होता क्या है, संस्कृत में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है महेश्वर सूत्र के अनुसार, 42, कुल वर्ण कितने होते हैं महेश्वर सूत्र में, 42, ये भी एक प्रश्न बन गया, वर्ण कितने होते हैं, 42, तो प्रत्याहार कितने होते हैं संस्कृत में, ये भी 42 होते हैं, प्रत्याहार भी 42 और वर्ण भी कितने, 42, तो उन्हीं प्रत्याहारों में अट सल भी दो प्रत्याहार थे। अब अट सल ये दो, एक तो बन गया, एक तो बन ही नहीं पा रहा था, तब पाणिनि को तब लगा भगवान जी को एक चीज रावण हो जाएगा, तो उन्होंने क्या किया, एक वर्ड इसी है को शुरुआत में कहा, पहले है आया है तो है को ही दो बार लाओ, ऐसा कुछ नहीं था, क्रम नियम अपने आप पता होगा आपको, पहले बड़ा छोटा तीसरा, जैसे सर ने कहा ए से जेड तक चलेंगे, जेड के बाद फिर ए आ जाएंगे, तो वही क्रम यहाँ भी पाणिनि ने अपनाया, है से तो चले जब पूरा वर्ड ला दिए, अब अंत में कोई वर्ड ही नहीं बचा, तो फिर चले आए कि फिर है पे चले आए, इसलिए है वर्ड का प्रयोग कितनी बार करना पड़ा उन्हें, दो बार करना पड़ा, और उन्हीं दो बार करने से उनके दोनों यट सल भी सिद्ध हो गए और पूरा का पूरा 42 प्रत्याहार सिद्ध होता है। गणना करते हैं जब व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है, 33 होती है। वैसे तो अभी इनमें यहाँ से अगर गणना करेंगे व्यंजन की, तो कितने होते हैं, 34 होते हैं, लेकिन जब व्यंजन की वास्तविक गणना होगी तो एक को छोड़ दिया जाता है, कितने होते हैं, 33, एक है को छोड़ देते हैं, तो सवाल उठता है 34 लिया क्यों, 30 भी लिया, अटोसल प्रत्याहार की सिद्धि के लिए। अगर जो प्रश्न आपके बनते हैं वो 42 प्रत्याहार होते हैं, इन्हीं महत्व चित्रों के आधारित 42 प्रत्याहार होते हैं, तो इस प्रत्याहार के प्रश्न को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और जो भी आपको पढ़ना हो, जिन प्रश्नों को पढ़ना हो, आप अपनी बात इस वीडियो के माध्यम से आप रख सकते हैं, आपको उस तरह के मैटर पढ़ाए जाएंगे, दिए जाएंगे, स्पेशल वीडियो बना के आप तक पहुँचाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।